रितेश जब बात एक्विटी की होती है तो आप जैसे सलाहकार हमेशा कहते हैं कि अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए जी आ, ये ज़रा आप जरा समझाएंगे कि एक निवेशक जो है या जो सबसे पहले शुरुआत करना चाहता है एक्विटी में तो जिसको हम रिस्क प्रोफाइल कहते हैं वो क्या चीज़ है और किस तरह से मैं कर सकता हूँ अपना रिस्क प्रोफाइल ये एक्चुअली कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है बहुत ही सादी चीज़ है एक होता है आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं और एक होता है आपकी विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा तो मैं इसे दो तरीके से डिवाइड कर दूंगा कि एक आपकी होती इच्छा और एक ही आपकी कामना मतलब आप कितना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना सो so, जैसे हम इच्छा की बात करें तो एक इन्वेस्टर है जो 20 लाख रुपया सालाना कमा लेता है तो वो बंदा जो है उसके लिए पचास हज़ार रुपये का जो रिस्क है वो बड़ी बात नहीं होगी मगर वही चीज़ अगर तीन लाख रुपये वाला इन्वेस्टर है उसके लिए वो पचास का जो नुकसान या वैल्यू नीचे है वो देख के उसको तकलीफ होगी तो ये होती है इच्छा कि आपने खुद से रिस्क लिया है दूसरी रहती है कामना मतलब आप विलिंगनेस नहीं है आपकी कि भाई मुझे नहीं लेना है जैसे बड़े एच एन आई इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो नॉर्मली शेयर्स या रिस्क में नहीं डालते हैं पैसा वो फिक्स इनकम या इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं सो so, उन्होंने चाह के वो चीज़ नहीं की है सो so, ये बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर आप रिस्क प्रोफाइल की बात करें कि अगर आप अपने आप को समझ पाए कि भाई क्या मैं करना चाहता हूँ पैसे का तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है रिस्क प्रोफाइल hmm. की मतलब आप अपने आप को समझ लीजिए पैसा उसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड